Welcome in a new video. We are studying the subring. Subring और subfield की property को हम पढ़ रहे हैं. Subring की परिभाषा आपने देखी है कि यदि S subset हो R का और R के operation के लिए यदि वो ring की property hold करे तो वह subring होगा. सबरिंग की करैक्टरिस्टिक थ्योरम हमने पढ़ी है कि यदि S सबसेट हो R का और वो सबरिंग होगी यदि और केवल यदि ये दो चीजें होल्ड हो, A माइनस B बिलोंग्स टू S, A B बिलोंग्स टू S. इसी तरह से सब फील्ड की परिभाषा आपने पढ़ी है कि S सब फील्ड बनेगा यदि वो फील्ड के ऑपरेशन के लिए, F के ऑपरेशन के लिए फील्ड की प्रॉपर्टी को होल्ड करे, या फिर ये जो करैक्टरिस्टिक थ्योरम है ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस और ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एस को होल्ड करे. तो हमने देखा कि यहाँ पर हम 5 और 5, 10 और 2, 12 प्रॉपर्टी हमें होल्ड करनी पड़ती थी, उसकी जगह हमें केवल 2 प्रॉपर्टी होल्ड करनी पड़ रही है और यहाँ हमें 5 और 2, 7 और 2, 9 प्रॉपर्टी होल्ड करनी थी, उसकी जगह हमें केवल ये 2 प्रॉपर्टी होल्ड करनी पड़ेगी. सब रिंग की परिभाषा से यदि हम देखें तो हमें 9 प्रॉपर्टी होल्ड करनी पड़ेगी और यहाँ से देखें तो केवल ये 2 प्रॉपर्टी होल्ड करनी पड़ती है. यदि हम सब फील्ड की परिभाषा से करें तो हमें 12 प्रॉपर्टी होल्ड करके बतानी पड़ेगी और यहाँ से आपको ये केवल 2 प्रॉपर्टी होल्ड करके बतानी है. तो देख सकते हैं आप कि ये रादर बहुत ईजी तरीका है कि हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है उसको शो करना है कि आपको कैसे करना है. एक एग्जांपल लेते हैं सबरिंग का. आर एक सेट है 2x2 मैट्रिक्स का और ये मैट्रिक्स एडिशन और इसके जो ऑपरेशन है वो कौन से हैं, मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. मैट्रिक्स एडिशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए ये रिंग बनाता है, रिंग आपको दे रखा है. तो आपको प्रूव करना है कि ये जो S सबसेट इन्होंने लिया है जो इस तरह से बनता है A0 और 0B, ये सबसेट है R का. तो आपको प्रूव करना है कि ये इज ए सबरिंग, ये सबरिंग है, ये आपको प्रूव करना है कि ये R का सबरिंग बनेगा, ये आपको प्रूव करना है. तो इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इस S के 2 एलिमेंट लेते हैं. कंसीडर 2 एलिमेंट्स, किसके आपको 2 एलिमेंट्स लेने हैं, जिस सेट को आपको सबरिंग प्रूव करना है उस सेट के 2 एलिमेंट ले लीजिए. तो हम लेते हैं कि S1 2, इसके जो चूंकि मैट्रिक्स है तो इसके जो एलिमेंट आएंगे वो 2 मैट्रिक्स होगी. आप कौन से ले लीजिए, A1 0 0 B1 एंड S2 = आप ले लीजिए A2 0 0 B2, ये 2 एलिमेंट ले लिए. देन आप क्या करिए, S1 - S2 ये निकाल लीजिए और फिर आगे अपन एक और गुणा करके S1 × S2 वो निकाल लेंगे. तो ये क्या बन जाएगा, आपको पता है कि ये पहला सेट माइनस ये दूसरा मैट्रिक्स बराबर, इसको आप लिखें तो ये क्या बन जाएगा, A1 - A2 0 और 0 B1 - B2 और S1 × S2 कराना है तो ये पहला मैट्रिक्स यहाँ लिख दीजिए यूं का यूं, फिर दूसरा मैट्रिक्स यहाँ यूं का यूं लिख दीजिए और इनके बीच मैट्रिक्स गुणा करा दीजिए. तो मैट्रिक्स गुणा कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, A1 A2 0, ये 0 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, B1 B2 बन जाएगा. तो आप देख रहे हैं कि सिंस AB और हमारे को दे रखे हैं A और B जो इधर यूज आ रहे हैं इस मैट्रिक्स में, वो क्या हैं आपके रेशनल नंबर हैं. तो दिस इंप्लाइज दैट A1 - A2 इज आल्सो रेशनल नंबर एंड A1 × A2
इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, देयरफोर हम कह सकते हैं कि एस वन माइनस एस टू भी एक मैट्रिक्स है जो हम चाह रहे हैं उसी तरह की, एंड एस वन इंटू एस टू दोनों किस में बिलोंग करते हैं, आपके सेट एस में ही बिलोंग करते हैं, इसलिए दिस इंप्लाइज दैट एस इज ए सब रिंग, एस जो है वो क्या होगी आपकी सब रिंग होगी। इसी प्रकार से आप एक एग्जांपल और ले सकते हैं, ये एग्जांपल नंबर वन हमने लिखा था, एग्जांपल नंबर टू आप ले लीजिए, एक सेट लेता हूं मैं जेड आर इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई एक्स फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर, ये हमारे पास एक सेट है और हमारे को प्रूव करना है जेड आर इज ए सब रिंग ऑफ आर, जेड आर जो है वो सब रिंग है आर का, आर का मतलब ये रियल नंबर्स है ना, आर प्लस गुणा वो अपने आप शो करता है कि ये ऐसा तो होगा ही होगा। तो जेड आर के जो एलिमेंट हैं वो क्या हैं, आपके एक्स के एलिमेंट हैं, वो किस तरह से हैं कि एक्स और एक्स का वाई के साथ गुणा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ये आपको बताना है। वाई क्या है, आर रिंग का एलिमेंट है, एक्स कौन है, जेड आर का एलिमेंट है। तो जेड आर को आपको प्रूव करना है कि जेड आर सब रिंग है, तो आप क्या करिए, कंसिडर टू एलिमेंट किसके करने हैं ऑफ द सेट जिसको रिंग सब रिंग प्रूव करना है, कंसिडर टू एलिमेंट्स, लेट कौन से ले लीजिए आप, एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंग्स टू जेड आर, जेड आर के दो एलिमेंट ले लीजिए आप, तो इससे एक प्रॉपर्टी जो इसके इन्होंने दे रखी है उसके अनुसार क्या हो जाएगा, एक्स वन वाई इजिकल्स टू वाई एक्स वन और एक्स टू वाई इजिकल्स टू वाई एक्स टू, ये तो हमारे पास इन्होंने दे रखा है कि ये इस तरह की प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। अब आपको क्या बताना है, यू हैव टू शो देन, आपको क्या बताना है कि x1 माइनस x2 भी जेड आर में बिलोंग करता है और x1 इंटू x2 भी जेड आर में बिलोंग करता है। तो इसको बताने के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा कि x1 माइनस x2 इंटू y बराबर होता है y इंटू x2 माइनस x1, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होल्ड करवानी है आपको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करवानी है। तो ये जो नंबर है इसको वन और टू मार कर दीजिए आप, तो यहाँ से लिखिए वन माइनस टू कर दीजिए आपके पास, तो क्या आ जाएगा एक्स वन, मैं सीधा लिख देता हूँ एक्स वन दोनों को घटाएंगे तो ये वाई कॉमन आ जाएगा इजिकल्स टू वाई इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू। तो इसका मतलब यहाँ से क्या इम्प्लाई हो गया, इसका मतलब ये इम्प्लाई हो गया कि एक्स वन माइनस एक्स टू जो है किस में बिलोंग करता है, आपका जेड आर में बिलोंग करता है। इसी तरह से आप क्या करिए कि पहले को एक्स टू से गुणा करा दीजिए, तो क्या होगा ये एक्स वन वाई एक्स टू इजिकल्स टू वाई एक्स वन एक्स टू, तो राइट हैंड साइड तो आपका सेम ही है वाई इंटू एक्स वन एक्स टू, और लेफ्ट हैंड साइड में वाई एक्स टू किसके बराबर है, एक्स टू वाई के बराबर है, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए x1 x2 y, और आप चाहें तो अब ऐसे लिख दीजिए आप x1 x2 into y बराबर y into x1 x2। तो यहां से क्या इंप्लाई हो गया कि x1 x2 भी किस में बिलोंग करता है, आपका जेड आर में बिलोंग करता है। जेड आर में होने के लिए कोई भी एलिमेंट जेड आर में है तो उसके लिए आपको वाई से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी जब भी वो जेड आर में बिलोंग करेगा, उसकी परिभाषा इस तरह से हमारे को गिवन है। तो ये दोनों चीजें जब आ गई आपके पास तो आप लिख सकते हो कि हैंस जेड आर इज ए सब रिंग, जेड आर जो है
वो आपका क्या है, सब रिंग की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। एक और एग्जांपल ले लें, सब फील्ड के ले लीजिए, एफ एक सेट अपने को दे रखा है इस तरह से ए प्लस बी अंडर रूट टू, जहां ए और बी क्या है आपके रेशनल नंबर हैं, तो आपको प्रूव करना है कि इज ए सब फील्ड, ये क्या है सब फील्ड है ऑफ आर प्लस, किसका है जो रियल नंबर का है वो उसका सब फील्ड है, ये आपको बताना है। तो जिस सेट को हमें सब फील्ड प्रूव करना है उस सेट के दो एलिमेंट ले लीजिए आप, तो कंसीडर, ये आपको ध्यान में रखने के लिए लिखता हूं मैं, कंसीडर ऑफ कंसीडर टू एलिमेंट्स। तो यहां पर दो एलिमेंट कैसे बनेंगे, इस तरह से बनेंगे ए वन प्लस बी वन अंडर रूट टू बिलोंग्स टू एफ एंड ए टू प्लस बी टू अंडर रूट टू बिलोंग्स टू एफ, ये दो एलिमेंट हमने लिए। इन दोनों एलिमेंट को आप फिर शॉर्ट में लिखने के लिए क्या कर दीजिए, एक्स वन और एक्स टू मान लीजिए, या आप माने तब भी ठीक है, नहीं माने तो भी कोई बात नहीं, तो मानेंगे तो थोड़ा सुविधाजनक हो जाएगा। नाउ अब फील्ड के लिए आपको ये दो चीजें प्रूव करनी है, तो पहला तो आप क्या करिए, x1 माइनस x2 ले लीजिए, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो a1 माइनस a2 प्लस अंडर रूट 2 इंटू बी वन माइनस बी टू, तो ये किस में बिलोंग करेगा आपका, f में ही बिलोंग करेगा, उसी शक्ल का है, और a और b जो है रेशनल नंबर है, इसलिए a1 माइनस a2 भी रेशनल नंबर होगा, b1 माइनस b2 भी रेशनल नंबर होगा, तो ये इसमें लाइक कर जाएगा आपके पास। फिर आपको बताना है कि x1 इंटू x2 का इनवर्स, तो आप देखिए क्या बनेगा, x1 तो क्या बनेगा a1 प्लस b1 अंडर रूट टू, और ये दूसरा क्या बन जाएगा इनवर्स, तो इनवर्स का मतलब नीचे लिख दूं a2 प्लस बी टू अंडर रूट टू। इस तरह की नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं, आपको ध्यान होगा ए वन प्लस बी वन अंडर रूट टू अपॉन, एक तरह से इसको इधर ले लेते हैं ए टू प्लस बी टू अंडर रूट टू, और नीचे जब आ गया है तो इसको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा, आप क्या करिए ए टू माइनस बी टू अंडर रूट टू से ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए, ए टू माइनस बी टू अपॉन, कॉम्प्लेक्स नंबर या इरेशनल नंबर जब आते हैं तो हम क्या करते हैं रेशनलाइज करवा देते हैं, तो ये रेशनलाइजेशन हो जाएगा, तो ऊपर का गुणा अलग आ जाएगा नीचे का गुणा अलग आ जाएगा, ऊपर का गुणा क्या बन गया आपका ए वन प्लस, इससे इसका गुणा करा दीजिए आप, तो ये क्या बन जाएगा ए वन ए टू, और ये प्लस माइनस माइनस का टू बी वन बी टू, और प्लस अंडर रूट टू के साथ क्या टर्म बन जाएगी आपकी, प्लस वाली पहले लिख देता हूं मैं ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू, और नीचे क्या बन गया आपका ये, इसका ऐसे आप ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है, तो ए टू का स्क्वायर और माइनस टू बी टू का स्क्वायर, नीचे ये टर्म बन गई, तो कुल मिलाकर हमारे पास क्या टर्म बन गया आपका, पहले टर्म को इसको रेशनलाइज कर ली, इसको अलग अलग कर देते हैं अंडर रूट टू इंटू दिस टर्म, चूंकि ये ए वन बी टू रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर हो गया, ये भी रेशनल नंबर हो गया, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये किस में बिलोंग करेगा आपका, एफ में बिलोंग करेगा। हेंस एफ इज ए सब फील्ड, एफ क्या हो जाएगा आपका सब फील्ड हो जाएगा। अब ये सब फील्ड किसके लिए है, यू हैव टू शो, यदि ए बी आपका रेशनल नंबर है तो ये सब फील्ड है, ए बी आपका रियल नंबर है तो ये सब फील्ड है, ए बी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो भी सब फील्ड है, लेकिन क्या ये ए बी आपके इंटीजर्स हुए जेड है तो क्या ये सब फील्ड है, नहीं है, क्योंकि उनके जो यदि ए बी अपन ने
इंटीजर्स लिए तो यहाँ पर जो ये नंबर आएगा आपका, ये क्या नंबर बना, a1 a2 minus 2 b1 b2 अपॉन a2 square minus 2 b2 square, और ये क्या बन जाएगा a2 b1 minus a1 b2 अपॉन a2 square minus 2 b2 square, ये रेशनल नंबर आ जाएगा, है ना। ये रेशनल नंबर होगा तो ही यहाँ पर इसमें बिलोंग करेगा f में। यदि ये इंटीजर्स हुए तो ये इंटीजर नहीं है, यदि ये इंटीजर नहीं है तो हमारा ये पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट क्या होना चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर हुए तो ये भी इंटीजर होने चाहिए, और इंटीजर हुए तो ये इंटीजर है नहीं, ये तो रेशनल नंबर है, तो सबफील्ड नहीं बनेगा। ये नेचुरल नंबर के लिए भी आपके क्या नहीं बनेंगे, सबफील्ड नहीं बनेंगे। ए और बी यदि रेशनल नंबर हैं तो, रियल नंबर हैं तो, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपका ये सब फील्ड बन जाएगा, दोनों प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी। तो हमने इस वीडियो में सब रिंग और सब फील्ड के एग्जांपल्स करके देखे हैं, हमने थ्योरम्स पहले वीडियो में कर रखी है, तो ये तीन वीडियो सब रिंग को कंप्लीटली आपको शो कर देते हैं रिजल्ट्स को, कि इसमें किस किस तरह के रिजल्ट आते हैं। हमने हर एक तरह के रिजल्ट को कंसिडर कर लिया है। इसके अलावा भी आपका यदि कोई और प्रॉब्लम है तो उसको आप रेज कर सकते हैं। थैंक यू।